एवरीवन, मैं ताशी और अपनी सिंपल रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्थी सी रेसिपी जो आपने कभी नहीं खाई होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चुकंदर लिए हैं। आज हम चुकंदर की ही रेसिपी बनाने वाले हैं। चुकंदर हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, हमारे बॉडी में खून की कमी को पूरा करता है, बालों के झड़नों को रोकता है। आज हम बनाने वाले हैं चुकंदर का हलवा। गाजर का हलवा तो आप लोगों ने बहुत बार खाया होगा, लेकिन एक बार ये चुकंदर का हलवा भी बनाकर खाना आपको बहुत अच्छा लगेगा, बॉडी के लिए भी बहुत हेल्दी है। हम सभी चुकंदर को छील लेंगे। यहाँ पर हमने सभी चुकंदर छील लिए हैं और देखिए मेरे हाथ भी कितने लाल हो गए हैं। अब हम इन चुकंदर को अच्छे से धो लेंगे और एक कद्दूकस से सभी चुकंदर को कद्दूकस करेंगे। सभी चुकंदर को हम कस लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे चुकंदर कसकर तैयार हो चुके हैं। हम इन्हें एक तरफ रख देंगे और दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई गर्म होने पर 2 चम्मच हम देसी घी डालेंगे। घी गर्म होने देंगे, उसके बाद कसा हुआ चुकंदर डाल देंगे। सारा का सारा चुकंदर कढ़ाई में हम डाल देंगे और उसको धीरे धीरे भूनेंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। लो फ्लेम रखने से चुकंदर पानी छोड़ देगा, जिससे कि भुनने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसीलिए हमें शुरू में चुकंदर को हाई फ्लेम पर ही भूनना है। चुकंदर यहाँ पे काफ़ी भुन चुका है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, मीडियम गैस पर ही भूनेंगे हम इसे। सारा पानी सूखने पर गैस को हम बंद कर देंगे। यहाँ पर हमें सारा पानी सुखाना है चुकंदर का। देखिए काफ़ी हद तक पानी सूख गया है। हम इसे कुछ देर के लिए और चलाते रहेंगे ताकि सारा पानी सूख जाए। अब हमारे चुकंदर से सारा पानी सूख चुका है, घी की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब कढ़ाई फिर से चढ़ाएंगे। इसमें हम अमूल का फुल क्रीम दूध डालेंगे। हमने यहाँ पर 2 पैकेट दूध का यूज़ किया है, यानी 1 किलो फुल क्रीम दूध लिया है। दूध को गर्म होने देंगे, गैस का फ्लेम हमें तेज ही रखना है। दूध को हमें लगातार चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। एक उबाल आने पर हमें इसमें 200 ग्राम चीनी डाल देनी है। चीनी हम दूध के साथ ही डाल देंगे, बाद में नहीं डालेंगे। बाद में डालेंगे तो फिर से पानी छोड़ने लगता है और बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। दूध बिल्कुल कंडेंस मिल्क की तरह लग रहा है। देखिए कंडेंस मिल्क भी बहुत सारी मिठाइयों में यूज़ होता है। दूध की इस टेस्ट पर आकर हम चुकंदर दूध में डाल देंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे। हमें दूध को कहीं भी छोड़ना नहीं है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और लगातार हम चलाते रहेंगे। देखिए कैसा लग रहा है देखने में, शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। ज़रूर बना के देखना। आप लोगों ने पहले कभी चुकंदर का हलवा खाया है या नहीं खाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, हमें इसमें से सारा पानी सोखना है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। आप लोगों का ज़रूर मन कर रहा होगा खाने का, तो आप इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसके कलर पे मत जाना। अभी हमें इसे लगातार चलाते रहना है, हमें इसको अच्छे से भून लेना है। अगर हम इसे अच्छे से नहीं भूनेंगे तो ये बाद में कचकच जैसे करता है, तो इसीलिए इसका भूनना बहुत ज़रूरी है। देखिए हलवा भून चुका है, कढ़ाई में कोई पानी नहीं है, तो हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और हम यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ काजू के टुकड़े, कुछ बादाम, कुछ किशमिश, कुछ कटा हुआ नारियल आदि लिया है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे
अच्छे से मिला देंगे। आप एक बार ज़रूर बनाकर देखना, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और हलवे में अच्छी तरह से मिला देंगे। हमारा हलवा यहाँ बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये टेस्टी और हेल्दी चुकंदर का हलवा बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए और सबकी वाही वाही पाइए। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।